ओहो, तो आ गए तो आए गए हो। तो आज आपको बताता हूं अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं टिकटॉक बैन के ऊपर। टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे कुत्तों की जिंदगी। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे था टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो। तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें, तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? नहीं तुम ही बताओ यार, मतलब तुम ही बताओ मैं इस पर क्या रिएक्ट करूँ, क्या जवाब दूँ दीदी को। दीदी कह रही है जो घर में सामान है चाइनीज उसको फेंक दो। अरे दीदी उसके पैसे दे दिए अपन ने, पेमेंट हो चुका है उसका, अब उसको तोड़े फेंके कुछ भी करे गांड में डाल दे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना को। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। चुप हो जा सातवीं फेल। जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, कोई सेंस है इस बात की? दीदी की ये बात सुन के मुझे सही में लग रहा है कि दीदी खुद मॉस्को होके आई है, और इन्होंने 6 साल का नहीं 60 साल का कोर्स किया है। जिस हिसाब से इनकी बातें, ये ज्ञान 6 साल में अर्जित नहीं हो सकता है, 60 साल तो चाहिए ही चाहिए इस ज्ञान के लिए। ए आर्यन साले क्यों बेचारे इन टिकटॉकर के पीछे पड़ा है साला, कितने अच्छे अच्छे क्रिएटर से बेचारे, कितना अच्छा बोलते हैं ये, कितने अच्छे लोग हैं, क्यों इनके लिए नहीं पे बैठा है साला। कितनी एक लड़की बेचारी रो दी, क्यों ऐसा कर रहा है आर्यन, छोड़ दे बेचारों को। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की, छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। तो अब इन दीदी को क्या ही बोलूं, लोग कहते हैं कि इसको ऑल्ट क्यों करते हो इनको, अरे तो क्या करे। मतलब दीदी कह रही है मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, अरे दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, मोदी जी ने खुद के मजे के लिए नहीं किया है, आपका डेटा चोरी हो रहा था इसके वजह से ये बैन हुआ है, और ऐसे 59 ऐप हुए हैं, ये अकेला टिकटॉक नहीं हुआ है। तो दीदी इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, और अगर आपको ऐसा ही कुछ प्यार है तो VPN लगा लो। मैंने सुना यार VPN पे भी बंद हो गया, चाइना चले जाओ यार दीदी, दीदी ने कहा है ना लोग विदेश चले जाएंगे, हाँ तो चाइना चले जाओ दीदी यार। तो बात करते हैं अपने टिकटॉक के डॉन के ऊपर, जो भाई साहब कह रहे मिनाटी को धमकी देते हैं, उनकी क्या हालत है यार आजकल, देखते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। अरे फिजू भैया आप तो कैरी को उठाने वाले थे, यहाँ कपड़े उठा रहे हो, मतलब क्या सीन, क्या चल रहा है ये? आर्यन साले तेरे को पता है वो कितनी मेहनत करके ऊपर आया, पहले वो क्या काम करता था, फिर जाके आज वो इतना ऊपर आया है। देख भाई मेहनत अलग चीज है और टैलेंट अलग चीज है, अगर मुझे डांस नहीं आता है, मेरे अंदर डांस का टैलेंट नहीं है, तो मैं गांड घिसा लूंगा तो भी मुझे नहीं आएगा। मैंने हालांकि कोशिश भी की थी पर मुझे सही में नहीं आया यार, मतलब क्या कर सकते हैं अब यार, नहीं है हमारे पास टैलेंट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टिकटॉक बैन हो रहा है, तो हारा तो मैं पहले भी नहीं था जब मेरे 3 अकाउंट बंद हुए थे, हारा मैं अभी भी नहीं हूँ। तो मेरे 2 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो पहले अगर नहीं करा था फॉलो तो भाई को प्लीज अब फॉलो कर लो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते। देखो बैन तो हो गया वो ऑफिशियली, अब कोई उम्मीद नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अगर ये थोबड़ा दोबारा देखना है तो मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। टिकटॉक बैन हो गया तो जाते जाते ये गाना टिकटॉक के लिए। बहुत ही याद आओगे भोसड़ी के बाप। अच्छे अच्छे टिकटॉकर की फट गई है, और अभी बोल रहे हैं टिकटॉक बंद आ रहा है, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, कोई मत करना इनको फॉलो, अब दिखाएंगे हम इनके फॉलो। अरे चचा दिल खुश कर दिया यार, मतलब इतनी खुशी, आए हाय कितने कूल चचा है यार ये, अब दिखाएंगे होलो, अरे बिल्कुल दिखाएंगे, मतलब मजा आ गया यार चचा की बात सुन के। तो यार मैं सही कहता हूँ कि मतलब अच्छा हुआ बैन हो गया, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज थे, तो मतलब सही हुआ। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। अभी बता दे भाई। यार दीदी कह रही है यार तो नहीं हुआ होगा यार, चेक करता हूँ, रुको मैं यार जाके चेक करता हूँ मैं अभी।
Dear users, we are in the process of complying with the government of India's directive to block 59 apps ensuring the privacy and security of all our users in India, giving our utmost priority. तो इन दीदी को तो अब मैं क्या ही कहूँ, मतलब एक ऐप बंद होने की वजह से दीदी पूरे डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब दीदी मेंटल पीस खो देते हैं, रोने लग जाते हैं। अरे यार एक बार के लिए अगर मेरा 1100 सब्सक्राइबर का ये चैनल भी उड़ जाए ना तो मैं वापस खड़ा कर सकता हूँ। अगर किसी बंदे के अंदर टैलेंट है तो वो चीज़ वो कहीं पर भी ग्रो कर सकता है, उसे किसी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ग्रो कर सकता है। मैं मानता हूँ हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ग्रो हर एक प्लेटफॉर्म पर हुआ जा सकता है। तो आप मजाक को रखते हैं साइड में और सीरियस बात पे आते हैं कि मतलब अगर मैं मानता हूँ टिकटॉक पे कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी थे, तो वो अगर कोई अच्छा क्रिएटर है उसके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो कहीं पे भी आ सकता है। बस प्लीज़ यहाँ पर आगे हगना मत, कुछ भी करना पर हगना मत। और कई सारे लोग जानना चाहते थे कि इस पे मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा यही ओपिनियन है, अगर ये प्राइवेसी इश्यू के लिए हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जो बॉर्डर पे अपनी जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से हुआ तो मैं एक चीज़ को गलत मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे ओपिनियन है, इसलिए कोई हेट मत करना किसी से भी। तो ये मेरा ओपिनियन है कि अगर ये सिर्फ बॉर्डर की वजह से हुआ तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बिजनेस करने से किसी को अपन रोक नहीं सकते। हालांकि मैं मानता हूँ चाइना गलत कर रहा है, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, अगर अपन ने बंद कर दिया तो हो सकता है वो भी बंद कर दे, तो इससे इंडियन जो इम्प्लॉयज़ है उनका नुकसान होगा, इंडियन इकोनॉमी का नुकसान होगा, उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब सिर्फ मेरे ओपिनियन थे, मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी। अगले जन्म में तो टिकटॉकर पैदा होगा साले, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो।